अधर्मी जेलिंगो जी, यहाँ के जो वातावरण और किस संबंध से आए, कौन कौन सी जड़ियाँ बूटियाँ जो लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं, उस संबंध से कृपया बताने की कष्ट करें। सादर सेवा जोहार दोस्तों, साथियों, आज मैं ये इस YouTube चैनल में एक विशेष प्रकार से पद्धति को लेकर के आया हूँ। धनिकता चिकित्सा पद्धति को लेकर के, झाड़ फूँक जड़ी बूटी के ज्ञान को लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूँ। और मैं आप लोगों के यही अपेक्षा करता हूँ कि आप हमारे जो शोध हैं, हमारे जो जनजाति शोध हैं, जब जनजाति चिकित्सा पद्धति हैं, उसके ऊपर आप विश्वास करें, उसके ऊपर आप ध्यान दें, उसको नज़रअंदाज न करें दोस्तों। क्योंकि आज मेडिसिंस के नाम से, मेडिकल के नाम से, मेडिसिंस के नाम से, आयुर्वेद के नाम से आज टोटल व्यापार किया जा रहा है। ग्रह नक्षत्र लगा करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हमारे लोग अगर हम झाड़ फूँक करते हैं, हमारे लोग जड़ी बूटी से अपना इलाज करते हैं, तो आज की जो मॉडर्न दुनिया, आधुनिक लोग हैं, वो हमको क्या कहते हैं कि अंधविश्वासी लोग हैं कहते हैं, जबकि यह अंधविश्वासी नहीं है। अगर हम अंधविश्वास हैं, झाड़ फूँक करने वाले, जड़ी बूटी का सेवन करके अपने परिवार को जो चिकित्सा मतलब स्वस्थ बनाने वाले, तो क्या अन्य लोग अंधविश्वासनीय हैं जो ग्रह नक्षत्र के, वास्तु के दोष के, या फिर और कई ऐसे बहुत बड़े अंधविश्वास जो आडंबर के भ्रम जाल में फंसे हुए हैं, वो भी अंधविश्वास है। इसलिए हम अपने समाज को आडंबरवाद से दूर रखने के लिए जो हमारी जनजाति चिकित्सा पद्धति है, जो धनिस्तर, देवगन, मारू, अनेकों लिंगों जैसे, भूमिकाओं के द्वारा, शंभू जैसे योग सिद्धि तांत्रिकों के द्वारा, शोध योग पुरुषों के द्वारा शोध करके बताया गया, उस पद्धति को हम आप लोगों को ले चलते हैं। इसलिए हम आज जंगल में आए हैं, महर्षि जंगल में, डिंडोरी जिला में आप लोगों के बीच में, और तमाम जड़ी बूटी को आप लोगों को खन के दिखाएंगे, उनका उपयोग को बताएंगे, उनके गुण को बताएंगे। हमारे भाई तरेगांव जंगल क्षेत्र परिक्षेत्र के हमारे साथीगण सदस्यगण हैं, हमारे बाटी पत्र के, हमारे गुरुवाना आस्था टीम के सदस्य भी हैं, वहाँ के संचालक भी हैं। सभी लोग हम आपसे यही अपेक्षा करने के लिए और यही आशा के साथ हम आए हैं, ताकि हमारे लोग दुनिया के आडंबर में मेडिकल वाद के नाम से, आयुर्वेद के नाम से, या फिर आडंबर यानी देवी देवता के नाम से, ग्रह नक्षत्र के नाम से हमारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है, आडंबर में फंसाया जा रहा है, उससे हमारे लोग निजात पाए, उससे हमारे लोग मुक्त हो और अपने परंपरा, अपने रूढ़ी व्यवस्था, अपने चिकित्सा पद्धति में आए और विश्वास करें। इस आशा के साथ हम आपके सामने आए हैं। चलिए हम अगले एपिसोड में जड़ी बूटी के बारे में डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, बताएंगे, उनकी पहचान कराएंगे, उनकी गुण को बताएंगे। बस इतना कह करके आप सभी को सादर सेवा जोहार, जय लंकेश, जय गुणवाना।